हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी नवरात्रि। तो अभी शाम की मैंने कर दी है पूजा और कितना सुंदर, कितना पावन ये नज़ारा लग रहा है। सही में मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा डेकोरेशन हो जाएगा। मेरा दुपट्टा है ना, वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, वरना इस पूरी दीवार पर यहाँ से यहाँ तक अगर आ जाता ना तो माइंड ब्लोइंग लगता। बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाय 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 हाय, चलो उठो 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 उठो। मैंने लिपस्टिक लगाई है, छूटने वाली है, इसके किसी नहीं कर रही हूँ मैं। और क्यों टैप क्यों बंद हो गया? और पता है अभी मैं आप लोगों से क्यों बात कर पा रही हूँ? क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए ना हमारे वहाँ पर लाउड स्पीकर है ना, वो बंद हो गए हैं, क्योंकि नवरात्रि है और भगवान की दया है, माता रानी की कृपा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से हट चुका है और चारों तरफ इतनी चहल पहल है, इतनी रौनक है ना हमारे कस्बे में कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि हर साल हमारे वहाँ नवरात्रि में ना बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से ना लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल फिर से सब कुछ हो रहा है। तो दिल बहुत अच्छा, यानी सुकून वाला रहता है। सारे दिन माता के भजन, माता की लंगरिया, यही सब सुनने में आता है। और इस वजह से पता है मैं वीडियो में बात नहीं कर पाती, मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सारे दिन बजता है और अभी आरती का टाइम हो रहा है ना, इस वजह से लाउड स्पीकर बंद किए हैं। आरती की तैयारियां चल रही हैं तो उस वजह से, और आरती होने से पहले ही मैंने यहाँ पर कर ली है आरती। फिर मैं अपने कस्बे में जाऊंगी पूजा करने, यानी हमारे गली में पड़ोस वाले घर के बगल में ही माता बैठी हैं इस वजह से। और देखिए मेरे बाल यहाँ से कितने उड़ गए, बहुत चले गए बाल। सो मैं ना, और हाँ मुझे ना आप लोगों से बात करनी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी है ना बात कर लेती हूँ। कल मैंने माता बिठाई थी यानी नवरात्रि में, तो मुझे कमेंट आया था कि दी आपके घर में तो डेथ हुई है, तो आप पूजा कैसे कर सकते हो, नवरात्रि की माता कैसे बिठा सकते हो? तो पता है उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरे जेठ जी की जब डेथ हुई ना, उसके 13 दिन बाद मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी डेथ हुई है। 13 दिन तक मेरा आपसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा था। मेरी जो मथुरा वाली वीडियो थी ना, वही मैं आप लोगों को दे रही थी, अपलोड कर करके मैंने रख ली थी एनालिस्टिक पे, और वो मैं आप लोगों को है ना बार बार अपलोड कर देती थी, इसलिए आप लोगों को पता नहीं पड़ा। 13 दिन हो चुके थे, उसके बाद जो होता है ना कन्या वगैरह जो होती है, हमने कन्या की थी उनकी, वो जो 13वीं करते हैं ना वो नहीं की थी, तो कन्या वगैरह हमने कर दी। उसके उसी रात को मैंने आके आप लोगों से बात की थी और वो वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो 13 दिन वो हो चुके थे और 15 दिन का जो होता है ना, सवा महीने नहीं, पौन महीने का ब्राह्मण जो होता है, पुरोहित जिनका भोज किया जाता है, तो वो पुरोहित भोज भी हमारे वहाँ हो चुका। उसके दूसरे उसी दिन से, जिस दिन भोज हुआ उसी दिन नवरात्रि में माता बैठी थी, तो मैंने पूछ लिया सबसे, घर के बड़ों से, सास से, अड़ोस पड़ोस में भी जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, कि क्या मैं माता बिठा सकती हूँ? तब उन लोगों ने कहा कि हाँ बिठा सकते हो, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, तो अब भगवान की पूजा करना घर में बहुत शुभ होगा इस टाइम पे। अगर आप जितना भगवान की पूजा करोगे, जितना उनमें ध्यान लगाओगे, उतना ही अच्छा होगा। तो ही मैंने ये पूजा की थी। मैं आप लोगों के साथ में सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगा है ना कि कुछ दिनों पहले ही उनकी डेथ हुई है। नहीं, उनकी डेथ हो गई थी पहले पितृपक्ष जो था ना, उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी। पहले पितृपक्ष में हमारे घर में किसी का भी कोई भी श्राद्ध नहीं डला, क्योंकि पहला पितृपक्ष ही खराब हो गया और 16 दिन पितृपक्ष के ये चले गए, और उसके बाद 17वां दिन एक और एक्स्ट्रा चला गया, 18वां दिन माता की नवरात्रि आ गई, तो इतने सारे दिन जा चुके हैं। तो इसी वजह से मैंने नवरात्रि में ना अपने वहां पर माता की है स्थापना, और यही एक कारण है कि मैंने घर के अंदर इनकी स्थापना की है, ताकि घर का वातावरण है ना वो पॉजिटिव रहे और काफी अच्छा वातावरण रहे, और जो भी दिमाग में टेंशन वगैरह है, दुख वगैरह है, वो धीरे धीरे करके निकल जाए। और वाकई जब माता रानी की पूजा करती हूँ ना, तो दिल बड़ा खुश हो जाता है, पता है, सब कुछ भूल करना इनकी तरफ मेरा ध्यान चला जाता है। और इसी वजह से मैंने इतना डेकोरेशन किया, इतना इनको तैयार किया। चलो आपको भी ना मैं अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। और मैंने माता रानी की कोई ऐसे स्थापना नहीं की है, ये जो मूर्ति है ना, ये 9 साल से मेरे मंदिर में है, जब से मेरी शादी हुई है। तो फर्स्ट बार में जो भगवान जी लाई थी ना, उनमें ये भी शामिल थे। तो ये माता रानी है ना, हमेशा मेरे मंदिर में रहती है, देखिए। और इनकी अखंड जोत भी मैंने जलाई है, जो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने अखंड जोत जलाई है सिंपल से मिट्टी के दिए में, क्योंकि मिट्टी का दिया शुभ होता है। इस वजह से आर्टिफिशियल और पीतल वगैरह तो मेरे पास काफी दिए थे, लेकिन मैंने जानबूझ के मिट्टी के दिए में जलाया है। तो यहाँ पर मेरी संध्या पूजन हो चुकी है, उसके बाद अभी है ना दाल वगैरह बनाने रख कर आई हूँ। मैंने सोचा चलो छोटा सा ब्लॉग भी बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे मंदिर में भी पूजा हो चुकी है ठाकुर जी की,
ठाकुर जी बैठे हुए हैं, विराजमान नए नए ड्रेस पहन के बैठे हैं। सो घर का माहौल है ना, घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो गया है पूजा की वजह से। और अभी हम जा रहे हैं किचन में। हाँ बाबा, आई हूँ। पानी वाले बाबा बुला रहे हैं। दाल की सीटी निकल चुकी है, मैंने रखी है मूंग मसूर की दाल, और एक गिलास पानी पीऊंगी, फिर पूजा में जाके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैंने आपसे ना कल शाम को बात की थी, और उसके बाद मैं अब आपसे बात कर रही हूँ दूसरे दिन की सुबह। और ये सुबह का टाइम है, अभी अभी मैंने की है अग्यारी और पूजा, तो ये मेरी पूजा हो चुकी और तैयार हो चुकी हूँ। घर का पूरा काम हो चुका, खाना पीना सब कुछ रेडी है। मैं जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि है ना आज सुबह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, हमारी ना गाड़ी खराब हो गई थी स्कूल की, और एक ना जो दूसरे ड्राइवर है वो आए नहीं, तो बहुत दिक्कत हो गई सुबह। बताया अपने स्टाफ को स्कूटी पर छोड़कर आई मैं, तीन जन को बिठाकर ले गई थी। हाँ बेटा एक मिनट, तो बिठाकर ले गई थी, उनको छोड़ के आई सुबह 7 बजे, फिर पूरा काम वाम किया, अब फटाफट से निकल रही हूँ मैं स्कूल के लिए। तो अब मेरे ना 9:45 के करीबन टाइम हो चुका है, लेकिन जाके आती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा ना जे अकेले पढ़ रहे हैं स्कूल में, और देखूंगी टाइम मिलेगा तो फिर भाभी के घर भी चली जाऊंगी, लेकिन पहले स्कूल जाऊंगी उसके बाद जाऊंगी। और यहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि चारों तरफ लाउड स्पीकर चल रहे हैं, तो गांव जाके आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है, हाय हाय, पहुंच गए स्कूल पे है। और आरू मैडम बना रही है मेरी वीडियो, देखो बोलती है मैं आपकी वीडियो बनाऊं, मम्मी बना ले। और अभी मैं ना मंदिर जा रही थी, लेकिन मंदिर पे ना मेरी चाची सास की सारी बहुएं यानी पूरा परिवार अभी है वहाँ पर, क्योंकि वो लोग कल गए थे करौली, और आप लोग हमसे कह रहे थे ना कि आप लोग ऐसे में पूजा कर रहे हो, तो वो लोग तो करौली गए हैं। और ये सारी चीज़ अभी मैं दोबारा से आपको डिटेल में बताती हूँ, आगे मैंने बताई है लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। जहाँ का जैसा रीति रिवाज होता है वो इंसान वैसे ही करता है, तो मेरे ससुराल का जो रीति रिवाज है उन लोगों ने उस हिसाब से किया, और जैसे घर वाले बोलेंगे भाई उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना, हम दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे इत्मीनान में बात करती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल में थोड़ी आवाज़ हो रही है, तो इसको मैं ऐसा करूँगी अपने मंदिर जाऊँगी, वहाँ जाकर आपसे बात करती हूँ। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा स्कूल का काम देख लूँ। तो पता है आप लोगों से बात करने के लिए मैं स्कूल के बाहर यहाँ बैठी हूँ, देखो ये स्कूल का गेट है, यहाँ बाहर आके बैठी हूँ। हाँ ये रे पिल्ले, देखो इनको खाना देने आए हैं हम लोग, खाना पीना ये लोग खा लेंगे, रोटी लेकर आते ही हम लोग घर से। और हाँ मैं क्या कर रही थी, कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, और बार 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 मुझे एक ही बात के लिए कमेंट आ रहा था कि आपके वहाँ ऐसा होता है, आपके वहाँ ऐसा होता है, और आपके वहाँ ऐसा हुआ है, आप पूजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मूल एक मिनट बैठे शांत रहो। तो भाई देखो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जिसके वहाँ जैसा रीति रिवाज होता है वो वैसे ही करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि मेरे ससुराल में क्या रीति रिवाज है, जैसा भी घर के बड़े कर रहे थे वैसा हमने कर दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया था ना कि मेरे जेठ जी हमारे साथ अब नहीं रहे हैं, तो वो शायद 12वां दिन था वो जब मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया था, और अब है ना 20-25 दिन हो चुके हैं। और काफ़ी लोगों ने बोला कि हमारे वहाँ 1.25 महीने तक नहीं होता, लेकिन यहाँ मैंने देखा है, मेरे से ही बता रही हूँ, मेरे सामने तो ये सारी सिचुएशन पहली बार आई है। तो मेरे परिवार में ना जैसे 13वीं हो जाती है ना, जो 13वीं बोलते हैं, तो 13वीं हो जाती है, उसके बाद घर के मंदिर को साफ करके पूजा पाठ आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग अभी मंदिर वगैरह नहीं जा सकते हैं कि मंदिर में जाके पूजा पाठ करें, जाना चाहें तो जा भी सकते हैं लेकिन अभी हम लोग खुद नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ है, मैंने कल ही मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी बताओ तो सही थोड़ा मुझे भी, क्योंकि मैं यहाँ के रीति रिवाज कुछ जानती नहीं हूँ। उसके बाद मम्मी ने बताया कि जैसे अब दिवाली आएगी ना, तो दिवाली की पूजा करने से पहले हमारे घर की जो शादीशुदा लड़की है ना, जैसे कि मंजस है या फिर मेरी बुआ सास वगैरह हैं, तो वो लोग मिठाई लेकर आएंगे घर, हमारे पूरे घर में मिठाई बांटेंगे, और जो भी कुछ होता है ना घी लेकर आएंगे, ऐसी कुछ चीज़ें लेकर आएंगी, वो बतासे लेकर आएंगी, तो उससे फिर वो त्यौहार को उठाया जाएगा, उसके बाद हमारे वहाँ पे दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन नवरात्रि ये कोई ऐसा खास त्यौहार नहीं है, क्योंकि ये तो माता रानी की पूजा है। तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी रख लूँ, तो मम्मी बोले कि हाँ कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में मत जाना, अपने घर पे कर ले। तो बस मैंने अपनी सास से पूछ के किया था, तो उन्होंने बोला कि घर पे कर ले पूजा मंदिर में, यानी जो पथवारी में हम जल ढारने जाते हैं ना, तो बोले पथवारी पे जल डालने मत जाना, बस घर पे पूजा कर ले। तो
तो भाई जैसे घर के बड़े बोलेंगे उसी हिसाब से मुझे सब चीजें करनी है। अब आप लोगों के वहाँ पर क्या रीति रिवाज है मैं क्या जानूं, क्योंकि मैं तो प्रॉपर तरीके से अपने घर के रीति रिवाज भी नहीं जानती। मैं ये कह रही थी कि ना मैंने भैया अगर पूजा पाठ किया है ना, कुछ भी किया है, यानी यहाँ तक कि हम लोगों ने बिंदी भी लगाई है ना, तो वो हमारे घर के बड़ों से पूछ के लगाई है, क्योंकि हमारे घर के बड़ों ने जैसा बताया उसी हिसाब से हमने किया। कि जब 13 दिन हो जाते हैं ना, तब 13वें दिन हमारे 13 दिन तक हमारे सर में कंघी तक नहीं लगी थी। हम लोग अपने बाल वगैरह नहीं काट सकते थे, बिंदी नहीं लगा सकते थे, सिंदूर नहीं लगा सकते थे, ये सारी कुछ रीति रिवाज थे वो किए थे। और जिस दिन 13 दिन कंप्लीट हो गए, कन्याओं का भोज हुआ, ब्राह्मणों का भोज हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों ने नई चूड़ी पहनी और सिंदूर नया लगाया, सब कुछ बिंदी वगैरह सब कुछ नई लगाई। 13 दिन बाद हमने हमारे बालों में कंघी की थी, वरना हम लोग जैसे थे वैसे ही रहते थे। कोई कंघी नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई नया कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे। खाना पीना भी बहुत सिंपल होता था, सिंपल नहीं, खाना तो नॉर्मल था हमारे वहाँ पे। तो मुझे तो कई लोगों ने उसके लिए भी बोला, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भैया। देखो मैंने पहली बार ये सब देखा है, मैं हर बार आप लोगों से बताती हूँ, मेरे मायके में कभी भगवान मेरे सामने किसी की डेथ नहीं हुई, ससुराल में कभी किसी की डेथ नहीं हुई। तो ये मेरा पहला चांस था बचपन से लेके अब तक का, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती, पहले से ही बता देती हूँ। तो जैसा घर का रीति रिवाज है उस हिसाब से चल रहे हैं। अब ये यूपी का रिवाज होता होगा कि 13 के बाद है ना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और ये तो मैंने भी ऐसे ही सुना है कि 13वीं हो जाती है, उसके बाद हम पूजा पाठ भी कर सकते हैं, नए कपड़े भी पहन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्या रीति रिवाज है, लेकिन हमारे वहाँ जो था मैंने बता दिया आपको, फिर से बता देती हूँ कि 13वीं के बाद पूजा पाठ हो जाती है, कलश की स्थापना हो जाती है। बस हम लोग मंदिर वगैरह नहीं गए, और ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जाएंगे, मंदिर भी जा सकते हैं। मेरी चाची सास की बहुएं हैं ना, खास चाची सास मेरी, तो वो लोग कल ही करौली गए क्योंकि नवरात्रि चल रही है, कल शाम को गए और अभी मेरे सामने वो लोग आए थे, मंदिर पे थे। तो भाई हमारे वहाँ जाते हैं, मैंने अपने घर के बड़ों से पूछा, उन्होंने सब सही कहा। और कई लोग मुझे बोलते हैं अरे ये तो है ही ऐसी, अपने घर वालों की नहीं सुनती है इसलिए घर वाले इससे खफा रहते हैं। भैया अब जिसको जो कहना है कह सकते हैं, जवान है इंसान, कुछ भी कह सकता है अपनी जुबान से, लेकिन भाई हमारे वहाँ पे ये रीति रिवाज है। इस बात को मैं चाहे 10 मिनट की वीडियो बनाकर बोल दूँ, चाहे 5 मिनट की वीडियो बनाकर बोल दूँ, चाहे मैं ना बोलूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके वहाँ जैसा होता है वो वैसा ही करते हैं। और अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, अब तो जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही है ना सबकी, बस सब अपने नॉर्मल से काम कर रहे हैं। और भाभी की चूड़ी वगैरह भी बढ़ानी होती है ना, जो मायके से ला के देते हैं, तो वो 13वीं के दिन ही करते हैं, 13वीं के दिन नहीं, जिस दिन ना 15 दिन हो जाते हैं ना, यानी आधा महीना हो जाता है ना, आधा महीना नहीं पौना महीना हो जाता है ना, तब भाभी की चूड़ी बदली उनके मायके वालों ने। तो ऐसा कुछ रिवाज है, मैं तो जानती नहीं हूँ। और जब ऐसा कुछ होता है ना, तो हमारी सास क्या कहती हैं कि जो बहुएं होती हैं ना, सुहागन बहुएं, वो अनदेखती ही नहीं है इन सब चीज़ों को। तो जो भी रीति रिवाज हुए थे ना, हम चारों बहुओं ने नहीं देखा था, हमको तो हमारी सास ने घर से बाहर निकाल दिया था। तो भैया ये सारी चीज़ें थी, आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ फिर से। और इसी वजह से ना मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि हम तो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब मैं आप लोगों को नॉर्मल लाइफ दिखाती हूँ फिर आप लोग कमेंट करते हो। तो ज़िंदगी है वो तो किसी के पीछे रुकती नहीं है, चाहे कहता ना चाहे कोई भी चला जाए, किसी के पीछे ज़िंदगी नहीं रुकती है, वो तो इंसान जीता ही है, खाना पीना खाता ही है, तो बस वही सब चल रहा है। तो जैसे रीति रिवाज है, जैसे घर के बड़े कहते हैं, हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, वो मेरी कुर्सी के नीचे नीचे घूम रहे हैं। तो चलिए अब मैं तो इस वीडियो को करती हूँ एंड, क्योंकि अभी मैं स्कूल में बैठी हूँ और जस्ट वीडियो बनाने के लिए ना मैं थोड़ी देर बाहर आके बैठी थी, और अब छुट्टी भी हो जाएगी शायद थोड़ी देर में, अभी शायद 11:30 का टाइम हो रहा है। और अभी मैं टाइम देखकर आई थी, क्योंकि टीचर वगैरह सब पढ़ा रहे हैं, राउंड करके आई स्कूल में, सब कुछ सही चल रहा था, मैंने कहा चलो तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ और यहीं से वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। और अभी है ना स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं जाऊँगी भाभी के घर पे, और स्कूल आती हूँ इसलिए थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगा के आती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बाहर निकल के आओ जे फिर मुझे डांटते हैं। और घर जाऊँगी तो मुंह धो लेती हूँ और सिंपल हो जाती हूँ, तो स्कूल की वजह से थोड़ा सा ढंग ढोर से आना पड़ता है भाई, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, चाहे घर परिवार हो या बिजनेस हो, सब कुछ देखना पड़ता है। सो ये तो जिम्मेदारियाँ हैं, कहते हैं ना जिम्मेदारियाँ इंसान के मरने के बाद ही ख़त्म होती हैं, जीते जी तो चलती ही रहती हैं। सो चलिए हम इन जिम्मेदारियों को संभालते हैं अपनी,
और आप वीडियो बनाना, आप लोगों से बात करना, ये भी मेरी एक जिम्मेदारी। मोलू मारो नहीं बेटा उनको, मारो नहीं, अभी मैं इनको पराठे दूंगी। मैं इनके लिए पराठे बना के लाई हूँ घर से, ऐसे हमारे। अच्छा सर, एक दूसरे को काट रहे हो? आजा आजा आजा, मम्मी खेलने काटा आजा, आजा। मैं साड़ी पहन के आती हूँ तो मेरी साड़ी से चिपक जाते हैं आके। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड, और बाद में अपना व्लॉग भी स्टार्ट करूंगी। अब धीरे धीरे सोच रही हूँ कर दूँ। सो फिलहाल के लिए बाय बाय।